दुनिया की पहली ड्रोन सेना बनाने का एक अनोखा अभियान चला रहा है यूक्रेन। इसके लिए फंड जुटाने के साथ साथ वो दुनिया भर के अपने समर्थकों से उनके रिक्रिएशनल या कमर्शियल ड्रोन दान करने की अपील कर रहा है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अगर मैं अपना ये ड्रोन डोनेट करूं तो ये छोटा सा गैजेट विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के खिलाफ युद्ध में कैसे काम आएगा, ड्रोन्स का वो करेंगे क्या। रूस के आक्रमण का मुकाबला करने में यूक्रेन पहले से ही ड्रोन्स का इस्तेमाल करता आया है। खासकर युद्ध के शुरुआती दिनों में इसके इस्तेमाल से यूक्रेन और उसके सहयोगियों को तैयार होने का कुछ समय मिल पाया। इसलिए हैरानी नहीं कि यूक्रेन की सेना ड्रोन्स को एक कारगर सैन्य हथियार मानती है। लेकिन इसमें एक समस्या है, सेना के पास पर्याप्त ड्रोन्स है नहीं, और इसीलिए एक देश दुनिया भर के आम शहरियों से मदद मांग रहा है। आधिकारिक पेज यूनाइटेड 24 चलाकर ड्रोन खरीदने के लिए फंड जुटाया जा रहा है। यूक्रेन का साथ दे रहे पश्चिमी देश भी उसे भारी हथियार भेजने से कतरा रहे हैं ताकि वो खुद सीधी जंग की जद में न आ जाएं। ऐसे में आम लोगों से उनके आम से ड्रोन दान में मांगना आपको सुनने में थोड़ा अटपटा भले ही लगे, लेकिन यूक्रेन का मानना है कि ताकत और संख्या में इतने बड़े रूस का सामना करने में ऐसी अनोखी और गुरिल्ला युद्ध जैसी तरकीबें उनके बहुत काम आएंगी। ये तो साफ है कि कितना भी बदलें, बाजार से खरीदे ड्रोन सेना के लिए बने खास ड्रोन की जगह नहीं ले सकते। ऐसे सैन्य ड्रोन्स का इस्तेमाल पहले भी देश युद्ध में कर चुके हैं और अब यूक्रेन भी कर रहा है, जैसे ये स्विच ब्लेड कामिकाजे ड्रोन्स। इसके अलावा वो मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाजों की भी मदद ले रहा है जो उसने अमेरिका और तुर्की से लिए हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल खास तौर पर बैटलफील्ड इंटेलिजेंस और ड्रोन स्ट्राइक्स में किया जाता है। चूंकि होम यूज वाले ड्रोन ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, उनसे भारी हथियार तो नहीं पहुंचाए जा सकते। वहीं मिलिट्री ड्रोन की रेंज कहीं ज्यादा बड़ी होती है और वो ज्यादा देर तक ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने वाले को फुल चार्ज करूं तो भी ये कोई 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और आधे घंटे में इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। इन सीमाओं के बावजूद यूक्रेनी सेना इन्हें इस्तेमाल करना चाहती है। पहली बात कि ये सस्ते हैं। अगर छोटे कुछ किलोमीटर के इलाके में इसे गश्ती मिशन पर भेजा गया और दुश्मन ने इसे मार गिराया तो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। कई बार तो इतनी सी जानकारी भी सैनिकों की जान बचा सकती है कि आगे वो जिस रास्ते को पार करना चाहते हैं वहां दुश्मन सेना घात लगाकर तो नहीं बैठी। ऐसा भी नहीं कि ऐसे ड्रोन्स किसी भी हाल में घातक नहीं हो सकते। एरोरोज वित्का को देखिए, ये एक प्राइवेट ड्रोन यूनिट है जिसे 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जे के समय बनाया गया था। उस समय कुछ पूर्व आईटी एक्सपर्ट्स और सेना के सदस्यों ने मिलकर ऐसे कई कमर्शियल ड्रोन्स को मिलिट्री ड्रोन्स में बदलने का काम किया था। वो इस युद्ध में भी इस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखाया जाता है कि कैसे सैनिक आम ड्रोन्स में कुछ बदलकर उससे बम गोले बरसाते हैं। यानी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे एक ड्रोन को वाकई हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है इससे यूक्रेन को युद्ध में मदद मिले, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हुआ कि इससे इंसानों की जान ली जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसे मकसद के लिए अपना ड्रोन दान करते? कमेंट करके बताइए।